मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं कुछ दिनों से स्किन केयर कर रही थी और मुझे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मतलब तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो चलो, अभी मैंने मुँह धो लिया है हिमालय के फेस वॉश के साथ और अब मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन है। सो मैं ये कामा आयुर्वेदा का टोनर यूज करूंगी। ये रोज वाटर है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। मुझे लगा मेरी स्किन में फर्क लग रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो टोनर कर लिया। उसके बाद मैं लगाऊंगी ये पाम का विटामिन सी का सीरम। ये भी बहुत अच्छा है, मतलब आई जस्ट लव इट। बाकी सबकी स्किन अलग होती है और इसको मैं दो टाइम यूज़ कर रही हूँ, एक दिन में और एक रात में। और इसको लगा के मैं बाहर नहीं जा रही धूप में बिल्कुल भी। और टेक अ फ्यू ड्रॉप्स एंड पैक सीरम इन ओवर फेस, अवॉइड आई एरिया। इसको आई एरिया को अवॉइड करना है, आई एरिया पे नहीं लगाना। मेक श्योर टू फॉलो अप विद अ सनस्क्रीन इन द डे, यूज ट्वाइस डेली। इसको दो बार यूज करना है और विद सनस्क्रीन, सनस्क्रीन भी लगानी है। सो इसकी मैं कुछ ड्रॉप्स ले लूंगी एंड आई जस्ट लव इट। मेरी यहाँ पे टैनिंग हो रखी थी वो हट रही है। अब मुझे ये नहीं पता सनस्क्रीन से हट रही है, इस सीरम से हट रही है या रोज वाटर से हट रही है, आई डोंट नो, बट वो रिमूव हो रही है थोड़ी थोड़ी। तभी मैंने सीरम लगा लिया। आई एरिया को अवॉइड करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम यूज करेंगे ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर। वो जो आलिया भट्ट वाला मॉइस्चराइजर था वो मैं ढूंढ रही थी बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है। जैसे ही वो आएगा मैं ऑर्डर कर लूंगी इसके खत्म होने के बाद। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेंगे। अब मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी। और वैसे भी अब सर्दी आ रही है, सर्दियों में तो मैं गोरी हो ही जाती हूँ। और आप एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स लगाओ तो उसको ऐसे यूज करना है, ऐसे। अगर नीचे की तरफ करोगे तो रिंकल्स पड़ जाएंगे। तो मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है और बाकी जो प्रोडक्ट्स रह गए वो अपने हैंड्स पे यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या हो गया? टोनर हो गया, सीरम हो गया विटामिन सी का, मॉइस्चराइजर हो गया। अब हम लगाएंगे ये लिप ग्लॉस। ये भी बहुत अच्छी है। इसको हम थोड़ी सी फिंगर पे लेंगे और फिर लगा लेंगे अपने लिप्स पर। सिंपल। अब हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन। सो अभी मैं डर्माको की सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। इससे पहले मैं लैक्मे की यूज करती थी तो उससे तो मुझे कुछ खास फर्क लगा नहीं। सो नाउ आई एम यूजिंग डर्माको, लेट्स सी। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सच बता रही हूँ। सो अभी हम लगाएंगे ये सनस्क्रीन। ये टू फिंगर्स पे ले ली हमने। और मैंने ये सोचा कि यार मैं इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदती हूँ, इतने महंगे महंगे 6-6, 10-10 हज़ार के शूज़ खरीदती हूँ, सो क्या मैं अपनी स्किन के लिए कुछ नहीं खरीद सकती? तो फिर इसलिए मैंने ये ले लिया। तो अभी मैंने लगा लिया सनस्क्रीन।
सनस्क्रीन तो 365 टाइम्स लगाओ ही लगाओ। और मुझे सच में इसके रिजल्ट्स मिले हैं यार। अब मुझे ये नहीं पता कि किसने क्या काम किया है कौन से प्रोडक्ट ने। और हाँ, मैं जंक फूड भी नहीं खा रही अब और पानी भी पी रही हूँ। तो अगर आप मतलब प्रोडक्ट्स लगाते रहोगे और इंटरनली केयर नहीं करोगे तो ये प्रोडक्ट्स भी हार्म कर जाएंगे आपको, है ना। तो आपको मेक श्योर ये याद रखना है कि आप इंटरनल भी पानी पी रहे हो दिन में 8 ग्लास। और तो मैंने सनस्क्रीन भी लगा ली। नाउ आई एम यूजिंग दिस द ऑर्डिनरी का आई सीरम, वाटर बेस्ड है और ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी कनाडा की है। सो जिसको ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, मतलब सबके अपने अपने डार्क सर्कल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आते हैं। सुन क्या मम्मी बना, मैं काम करने लग रही। आओ मैं वहीं पे। तो इसके थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं। और अंडर आईज लगाने हैं। तो चलो मैं लगा के आती हूँ। यही लगाऊँ आप सबके सामने यार। एंड दैट्स माई स्किन केयर गाइज। और आपको स्किन केयर करते टाइम कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि टाइम से सोना, 7-8 घंटे की नींद लेना, टाइम से उठना। और मैं ये सब अब कर रही हूँ, मैं अपनी केयर कर रही हूँ। और वीकली स्क्रबिंग करना, फेस मास्क लगाना और मंथली फेशियल वगैरह कराना। सो मैं फेशियल्स वगैरह तो नहीं कराती, आई अवॉइड। सो स्क्रबिंग में हम घर के ही DIY कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो ये जस्ट मैं आप लोगों को गाइड कर रही थी। और जो टीनेजर लड़कियां हैं वो कुछ भी यूज़ ना करें, सिर्फ और सिर्फ मुंह धोएं, लिप बाम लगाएं, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा आंखों में काजल लगा लो बस, इसके अलावा कुछ ना यूज़ करें। हाँ, सनस्क्रीन 18 के बाद लगाओ, क्योंकि हर एक चीज़ की एज होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ग्लोइंग होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम हमें स्ट्रेस नहीं होता किसी भी चीज़ का, हम खुश रहते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी लगाओ अपने मुंह पे, आप हमेशा खुश रहो, स्ट्रेस को लात मार के भगा दो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। तो अब मैं खाना खाऊंगी, तो चलो खाना खाते हैं। इम्प्रूवमेंट लगी यार, इसलिए मैंने ये सब यूज़ किए हैं। मेरी स्किन सच में यहाँ से टैनिंग हट रही है, लिटरली मेरे को फील हुआ। सो आप सब भी यूज़ कर सकते हो ये प्रोडक्ट्स अगर चाहते हो तो, या फिर प्रोडक्ट्स मैटर नहीं करते, आप डेली करो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है। सो चलो फटाफट खाना खाते हैं और फिर हम मेकअप करेंगे। मेकअप तो क्या ही, बस मतलब देखते हैं क्या है क्या नहीं। और मेरा जारा का पार्सल आया हो तो चलो उसको भी खाना। और जब तो कंधे भी सुतरी लगा कि वही बेटी मेरे तो कुछ नहीं दिया। हेलो, तो भी मैंने जारा का पार्सल मंगाया था, मम्मी मेरे को गालियां दे रही थी भाई पैसे बचा लेंगे, और मैं मम्मी को पैसे भी देती हूँ फिर भी देख लो इसकी एक्टिंग देख लो। पैसे इकट्ठे करगा दूसरे देश में बिक जा, पढ़ ले कोई नहीं कुछ ले रहा धरती पर। जब नौकरी तो खत्म हो गई सरकार में, भला 10 पढ़ के लग गया कर दे, ये वो सिस्टम खत्म हो गया। इस करकर दुनिया का भला करो, डॉक्टर बन जा बहुत बड़ी। हमें भी ऐसा ओडा पढ़िया यार दोस्तों, ना पूछ जो कोई भी ऐसा ला देने वाला क्यों कर जा जाएगा, फार्म क्यों कर भरने पड़ेंगे, और वो पासपोर्ट बन गया सारे काम हो गया, फायदा ठाकर पढ़िया करा बोली। इनका शुक्रिया अदा कर जी ना, मदद करिए बेचारिया ना, सही को होने।
ये भी भाई है, यू भी घर परिवार है जो मदद कर रहे हैं फॉलो करका शेयर करका को नहीं मार कर गया ना शेयर आमदारी फॉलो करना कुछ भी। मैं तो अनपढ़ हूँ, आठे पढ़ रही अनपढ़ वर्गी हूँ को नहीं, इनका शुक्रिया करया कर जोर से आगे बढ़ा हुआ है और पढ़ ले अच्छा भला नाम कमाओगे दुनिया में को नहीं सब ना कि जो कोई बीमार हो जाए और जब डॉक्टर उसकी जान बचावा कितना अच्छा लगा है भगवान का रूप देखा, भगवान का रूप डॉक्टर में, डॉक्टर भगवान का रूप है सब। तो दिमाग के डॉक्टर बनूंगी, सब नकली सिस्टम, फिर दिमाग तो ठीक होगा, दिमाग बतेरे मैं दिक्कत आओ पढ़ पढ़ का आगा दिमाग ज्यादा तो दिमाग का ही होगा। मैंने कहा चल बच्चे पढ़े है डिप्रेशन मैजा है सत्तर बीमारी लग जाए सिर में कम तक कम बोली बेटी कुछ नहीं आधा देश जा रहा इंडिया और अपना पढ़ कर दड़ा आगे जाकर पाछा नहीं कदम जाना चाहिए जिंदगी में। हाँ ठीक है नी, पर इसकी क्या दिक्कत हुई थी, इसकी क्या दिक्कत हुई, दिक्कत हुई अगर भाई के मंगा नूना मंगा कर क्यों ना नूना तेरता ना दें दे और अपने जब तो गंदी हुई भी सुतरी लागे रसगुल्ले खाने का पर नहीं दें दे तेरता मैं देव हम था रे हैं बेटी था रे फिर होंगे फिर मैं अपने खातर ही मेरा काम है यू मेरे कपड़े आ गए तेर मेरा ही है सारा कोई नहीं किसी का टाट काट दा नहीं कोई देव ना किसी का मेरा है तेरता ना दियो नहीं जब तो गंदे हुई भी सुतरी लागे भाई कपड़े कपड़े मंगावा अपना अपना करा मेरे तो कुछ नहीं देंदी। पानी पीना सीखी ना तो मेरी उम्र किने सिखाई तू पानी पीना ना तो मेरी उम्र पानी पीना किने सिखाई तू थम नहीं सिखाई ना तो मेरी उम्र कभी मैं घर के आऊंगी ऐस मारूंगी ब्याह करूंगी कोई उम्र नहीं सब खत्म सोदा ठीक है थारी तो उम्र है कच्ची उम्र है पढ़ो लिखो और दुनिया का भला करो भगवान का रूप कला जाओ डॉक्टर डॉक्टर छोटी चीज को नहीं मरते हुए इंसान ने फट जीवावा है डॉक्टर तो बड़ा सब ना कति सबसे ज्यादा डॉक्टर को इज्जत देनी चाहिए मैं मानू इस बात ना कान का हो नाक का हो आंख का हो इनके बिना तो कुछ भी को नहीं जैसे जल बिना इंसान नहीं जी सकता नहीं यो डॉक्टर बिना सब इंसान की जिंदगी खराब है बिल्कुल। मैं तो डॉक्टर की बहुत इज्जत करूँ बहुत ज्यादा करूँ अपने जीवन तभी ज्यादा डॉक्टर की इज्जत करूँ पहला डॉक्टर भगवान फिर उसके बाद फौजी फिर उसके बाद सब कुछ हुआ ठीक सही बात है यार झूठी बात को नहीं। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ कड़ी चाय और रोटी और इसमें मैंने कुछ कपड़े मंगवाए हैं पहन के दिखा दूंगी और मैं ये पर लगते दो फटाफट मम्मी दो रही लगते मेरे 2500 की पैंट दो घर में के है मशीन नहीं होंगी क्यों होंगे रही मशीन तो बाद में सारी दुनिया ना 10 साल हो गए थे मशीन के काम करते हैं ना। ओ लेकिन जो कपड़ा था गंदा होगा मशीन में कौन धुंदे। मम्मी काट रही है सेब और ला नमक डाल के खाएं ननुए खाऊंगी फिक्की आशीर्वाद तो दिया नहीं बाबा ने ऐसे नीचे बैठ जाते नीचे बैठ यो बाबा गोरखनाथ क्या नाम है काजल यार तेरी तमन्ना पूरी हो जाए बाबा फिर कर दिया तो कभी चाय बोल की सेवा करना बेटा चाय पे पी ले या बना बना ले फिर की पियो गर्म मीठी मीठी में बनाइए बेटा ज्यादा मीठा नहीं बना ज्यादा हां मीडियम बना के ले आऊं ठीक है कर ले आशीर्वाद दे दो मेरे फॉलोवर बढ़ जाए जरूर बाजा बाजा खुशी का कभी खुशी का बाजा बाजा तो फिर कभी बाबा अगर भगमा उड़ा रहना बेटा कोई मान नहीं करना कभी भी ना को मान के जो मंदिर थी में लग रहा हूं तो खाने में पानी देने पानी दूध देने पूत करने मारक में सिर करने ये जरा सूट बात के पड़ेगा अपने काम की सूट मांग दे रहे हैं इतने आवा है तो जो कह रहे हैं गन बेटे गाने पड़े हैं दुनिया ये जवाब है हां अब मैं रोटी खा ले रोटी या बड़ी रोटी बना रखी कोई इच्छा नहीं बेटा वो पेट ऊपर का खा ले बे सब कोई टाइम कोई इच्छा नहीं बेटा वो पड़ोस में छोटा सा गुगलू मुगलू गुगलू मुगलू गुगलू मुगलू हेलो कर अरे यू कबूतर कौन सी क्लास में हो गया तू सेकंड सेकंड में हो गया
ना सुतरा रहा सुतरा जाए मेरे कहीं की मान है ओ कौन लग रहा इसके हाथ ने अरे गुगलू 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 सेल्ली मिल रही इसकी तो भागाना वाला कहीं हो तो हैं आ जा आओगा हम आए हैं यहाँ पे और क्या कर रही तू रोटी ये मैं क्या तो भी ये छुआ रही तिराएगी या घेरेगी आई डोंट नो चश्मे हेलमेट मैं वीडियोस बनाऊंगी अब थोड़ी देर में देखते हैं कहाँ बनाऊंगी सो गाइस अभी ये आई है ये साइकिलिंग शॉर्ट्स लेने इसके मिल नहीं रहे इसमें और कलर नहीं है आज वो वाला भैया तो आया नहीं तो हम यहाँ आ गए इनके पास देखते हैं कैसे हैं कैसे नहीं क्या डालते हो आप फूलगोभी आलू डालते डालते हो जैसे अच्छा ऐसे दोगे क्या खिलाते नहीं इसमें डाल के दोगे क्या क्रंची क्रंची लेना हाँ डाल दो ऐसे कटोरी में लेके नहीं खिलाते अच्छा कहाँ से क्या सिस्टम है ये अच्छा अपने आप ही ले प्रेस करना है क्या गोलगप्पे खा लिए और काफी ज्यादा टेस्टी लगे तरह तरह के पानी थे और यहाँ पे सब देख देख के जा रहे हैं मुंह जल गया बिल्कुल मुझे तो पकड़ी दी नहीं देखते कुछ और करेंगे यहाँ पे हम आए हैं यहाँ पे मंचीज में पनीर मोमोज खाने मन कर रहा था क्रेविंग हो रही थी अंदर से ये रील रील आज हम बहुत कुछ खा के जाएंगे बाहर और कल कड़ी है बस ये लिपस्टिक की शेड अच्छी लग रही है मेरी जच रही है जचता और कौन से लिए हमने पनीर वाले लिए हैं भाई साहब ब्रेड तो रेडी है उसके पानीपत में बेस्ट मोमोज मिलता है यहाँ पे और ये कोई प्रमोशन नहीं है फ्री में गाइस भैया ने हमको फ्री में मोमोज दे दिए बोले कि तूने मेरे उसका प्रमोशन किया तू जा जी लवली जिंदगी तो मैं तो पे कर रही थी बट इन्होंने बोला नहीं 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 तो मतलब पूरे मॉडल टाउन के सच में प्रमोशन से हट के बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं यहाँ पे यू कैन विजिट ये यहाँ से इसकी चॉइस थी बस ये खा के फिर हम निकल रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है ये चला गए हम घर आ गए थे फिर उसके बाद मैंने अपना मेकअप उतारा और फिर उसके बाद मैंने अपना मुंह धोया फिर उसके बाद मैंने स्किन केयर की और अब मैं करूँगी एडिटिंग और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी तो इस व्लॉग को अब एंड करते हैं आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो मुझे नहीं पता आप लोगों को फ़र्क दिख रहा है बट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है सिर्फ 3 दिन के स्किन केयर से इतना फ़र्क दिख रहा है अगर डेली अपनी परवाह करूँ तो कितना होगा सो मैंने अभी स्टडी टेबल साफ़ की है जहाँ जहाँ जो सामान रखना था वो रख दिया जो डेली यूज़ का था वो बाहर रख दिया तो अब टेंशन ख़त्म
तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे प्यार बनाए रखिए।